भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपये के घोटाले बंद हो चुके हैं और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप आंकड़ा बोलोगे? मैं पूछूं तो आंकड़ा बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आंकड़ा बोलोगे? मैंने कहा 2 लाख करोड़ रुपए। कितने कितने जरा माताएं बहनें बताइए, कितने कितने 2 लाख करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा, ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है, लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है। और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700-800-900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता, वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां दी जा रही हैं। और इतनी बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर कहीं पर भी बोर्ड लिखा है ना 10% डिस्काउंट, तो पहले वहीं लेने जाएगी। ऐसा ही होता है ना, साड़ी लेने जाएं और एक दुकान पर लिखा है 10% डिस्काउंट, तो चलो भाई उधर नहीं जाना है, पहले यहां जाएंगे। ये मोदी दवाई में 80% डिस्काउंट दे रहा है, 80%। और इससे भी गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं।
और मेरे परिवारजनों, जब इलाज पर खर्च बचता है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत होती है ऐसा नहीं है। एक तो गरीब, और हमारे यहां तो हमने देखा है परिवार में कोई मां कोई बहन बीमार हो जाए तो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती है, कितना ही दर्द होता हो वो काम करती रहती है, बताती नहीं है। क्यों? उसके मन में रहता है कि अगर परिवार में बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों के सर पे कर्ज नहीं होने देना है, भगवान जितने दिन जिंदा रखेगा रह लूंगी, मुसीबत झेल लूंगी, दवाई भले ना हो लेकिन बच्चों को मुसीबत में नहीं डालूंगा। ये मेरे देश की माताओं बहनों का स्वभाव है। लेकिन मेरी माताएं बहने, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपकी पीड़ा को समझता है। मेरी कोई मां कोई बहन बीमारी झेलती झेलती जिंदगी काटे, ये उसका बेटा सह नहीं सकता। और इसलिए आयुष्मान योजना से सिर्फ पैसे बचते ऐसा नहीं, पूरा परिवार बच जाता है, परिवार के सपने फिर से जिंदा हो जाते हैं, परिवार फिर एक बार खुशहाल हो जाता है, नई जिंदगी जीना शुरू कर देता है। साथियों, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। पीएम आवास की इस योजना पर ही अभी तक 4,00,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। आंकड़ा याद रहेगा आपको कितना, जरा बोलना पड़ेगा भाई कितना, इधर वाले बोलो ना कितना, जो पत्रकार है उनको बोलने की जरूरत है, वो तो लिख लेंगे, जो पत्रकार नहीं है वो बोले कितना। 4,00,000 करोड़ रुपया, लोग राम मंदिर बन रहा है उसकी तो चर्चा कर रही है, 4 करोड़ लोगों के घर भी बन रहे हैं दोस्तों, लाखों करोड़ खर्च करके घर बन रहे हैं, शौचालय हो, उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन हो, इस पर भी हजारों करोड़ रुपयों का निवेश सरकार ने किया है। हाल में उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपया तक सस्ता कर दिया गया है, यानी हमने गरीबों को सुविधाएं भी दी है और उनका पैसा भी बचाया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का इतिहास डगर डगर पे झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और बिल्कुल चेहरे पर कोई असर ही नहीं, इतना आराम से झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने गरीबों से जितना झूठ बोला है ना पिछले 50-60 साल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला, कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए, झूठ बोलने की हिम्मत देखी है इनकी। और उनको लगता है देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है,
अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियां होती है। वो परिवार को कहता है ये कांग्रेस वाले झूठे हैं। भाइयों बहनों, आज भी कांग्रेस यही कर रही है। इन लोगों ने 5 साल पहले 2018 में कहा था 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने में भी उनको सरकार से चलाने का मौका मिला, कुछ भी नहीं किया। वहीं भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डंके के चोट पे करते हैं। हमने किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना के तहत उसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं और साल में 3 बार करते हैं। अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है? भूल जाते हो ना, मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है।